हमारे इंडिया में ट्रेन के बहुत किस्से हैं। जो ट्रेन में ट्रैवल करते हैं या कभी पहले कर चुके हैं, उनके सफर के बारे में पूछिए। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कहीं बातें होती है, कहीं खामोशी होती है, और कहीं ऐसी मेमोरीज जो जिंदगी भर साथ रहती है। तो आज चलिए हमारे साथ कीजिए एक सफर ट्रेन का। नमस्ते जी। हाँ जी, आप सभी का इस नए सफर में स्वागत है। लेकिन आपको ये तो बताया ही नहीं हम जाने कहाँ वाले हैं। तो हम पहली बार इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न साइड जाने वाले हैं। अभी हम फिलहाल दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर वेट कर रहे हैं अपनी ट्रेन का। कृपया ध्यान दीजिए, 12424 गुवाहाटी राजधानी एक्सप्रेस कानपुर सेंट्रल मुगल सराय के रास्ते गुवाहाटी को जाने वाली प्लेटफॉर्म नंबर 16 से चलने को तैयार है। हम आपकी सफल, सुखद एवं मंगलमय यात्रा की कामना करते हैं। चलिए, ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई और हमने टाइमली इसे बोर्ड भी कर लिया। तो अभी 4 बज रहे हैं, हमारी ट्रेन का टाइम है 4:20 और अभी फिलहाल हम यहाँ नीचे वाले बर्थ पे बैठे हैं। बट हमारी ना ये यहाँ पे 2 अपर बर्थ है। ये आज जो आप हंसता हुआ चेहरा देख रहे हैं ना, अभी ये मन ही मन मुझ पर अभी बहुत गुस्सा है। और वो इसलिए क्योंकि टिकट बुक कराते समय मैंने ट्रेन की बर्थ का नो प्रेफरेंस सिलेक्ट किया। तो अभी फिलहाल जब तक यहाँ के सीट पे जो आए नहीं है, तब तक थोड़े विंडो साइड के मजे ले ले। उम्मीद तो देखो यही रहेगी कि इस साइड लोअर बर्थ पर कोई ना आए। और ये देखो, फाइनली ट्रेन चल पड़ी। ऊपर वाली दोनों है। थैंक यू। अगला स्टेशन आएगा कौन सा? ये नहीं पता, बट रात को हम कुछ 9 बजे के करीब कानपुर पहुंचेंगे। तो आगरा भी आएगा? आगरा नहीं आएगा। कानपुर का फेमस क्या है? पेड़ा, मथुरा का पेड़ा है ना, आगरा का पेठा। कानपुर का क्या है? रजनीगंधा। कानपुर का वैसे क्या फेमस है? चलिए, कानपुर का जो भी फेमस है वो तो आप हमें कमेंट्स में नीचे बता ही देंगे। लेकिन अभी हम आपको राजधानी की वो फेमस स्नैक्स की प्लेट दिखाते हैं। अभी हम दोनों ना ऐसे खिड़की के बाहर ऐसे देख रहे हैं जैसे छोटे बच्चे ना होते हैं बाहर पेड़ों को चलते हुए देखते हैं। बस एक टूर में बाहर ऐसे देखे जा रहे हैं। बस अभी विश तो यही कर रहे हैं कि गुवाहाटी तक इस सीट पे कोई ना आए। बस अपना सोने के लिए हम वहाँ चले जाएंगे और अपना कल दिन भी हमारा ऑलमोस्ट इसी सीट पे बीतने वाला है। चलिए, ये हमारी खुशी कितनी देर की होती है ये तो अब वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी फिलहाल इस सीट का भरपूर फायदा उठाया जाए। इन्हें दूर से ही देख कर ना पता चल जाता है कि अभी खाना आने वाला है। और आज डिनर में है येलो दाल, पनीर की सब्जी, चावल, दही और चपाती। आहा, मुंह में पानी आ गया। तो अभी ना हम कानपुर पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ ना सिर्फ 5 मिनट के लिए ट्रेन रुकने वाली है। तो अभी यहीं से ही दीदार करते हैं कानपुर के प्लेटफॉर्म का। एटलीस्ट रहेगा ना कि कानपुर आए थे। चलो जी, कानपुर भी देख लिया आज, अरे मतलब प्लेटफॉर्म ही सही। और अब सोने का भी टाइम हो चुका है। चलिए फिर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। तो आज की सुबह हमारी आंख कहीं बिहार में जाकर खुली है। और जैसे ही मैंने उठकर देखा, हमारी फेवरेट सीट जा चुकी है। शायद रात को किसी स्टेशन से इस पर फाइनली कोई आ गया। दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। फिर सेब को देखा, फिर चिराग को देखा, फिर वापस से उस सीट को देखा। तब पता चला कि उस सीट पर ऊपर वाली बर्थ के पैसेंजर ही बैठे हैं और हम अभी भी अपर बर्थ पर बैठने की कोशिश। चलिए, ये अफसोस भी अब कब तक मनाएं।
भैया ने ब्रेकफास्ट दे दिया है, अब जल्दी से इसे खाया जाए। ये रहा हमारे इस ट्रेन का रूट और हम यहाँ कहीं वेस्ट बंगाल क्रॉस कर रहे हैं। अभी देखिए बांग्लादेश के एकदम बगल से निकल रहे हैं और अब ये देखो चिराग जी अब नीचे बैठ चुके हैं और मैं ऊपर से ही अपनी क्यूट को पैसेंजर को देख रही हूँ। अब बच्चे होते ही इतने प्यारे हैं, ऊपर से नीचे मुझे बुला ही लिया। बस फिर एक के बाद एक स्टेशन हम क्रॉस करते रहे, रास्ते में काफ़ी हमने चाय के बगान भी देखे। अब जैसे जैसे असम पास आएगा तो टी गार्डन्स तो दिखेंगे ही। और इसी के साथ हमें खुशी का एक और मौका मिला, अपनी फेवरेट सीट पर आइसक्रीम के मज़े ले रहे हैं हम। अभी हम न्यू बंगाई गांव में पहुंच गए हैं और यहाँ जो हमारे फेलो पैसेंजर्स थे वो यहाँ पे उतर चुके हैं, इसलिए अब हम यहाँ नीचे आ गए हैं। चाय टाइम हो गया है, चाय पी रहे हैं। अभी उतरने की तैयारी हो रही है, बैग बैग हमारे निकल चुके हैं, अब फाइनली उतरा जाएगा गुवाहाटी में। हमारी इस जर्नी में हमने कितने सारे शहर क्रॉस किए हैं और अब फाइनली आफ्टर 27 आवर्स पूरे 27 घंटे की ये जर्नी हमारी यहीं पे अब समाप्त होती है। वी आर फाइनली इन गुवाहाटी। गुवाहाटी हम फाइनली पहुंच गए। यहाँ पे अभी हमने एक ऑटो हायर किया है अपने होटल तक, तो बस अभी वहाँ पे पहुँचने हैं। वैसे ट्रेन हमारी कुछ आधे घंटे डिले हुई, अभी 8 बज रहे हैं, तो उसने 7:30 बजे हमें पहुँचाना था और बस अभी होटल तक चलते हैं। किसी नए शहर में पहुँचने की कितनी एक्साइटमेंट होती है ना, अभी अंधेरे में भी मुझे गुवाहाटी शहर इतना सुंदर लग रहा है। तो चलिए हम अपनी आज की मंजिल तो पहुँच गए, लेकिन अभी तो नॉर्थ ईस्ट का सफ़र बस शुरू ही हुआ है। अभी तो आपको हमारे 10 दिन के इस नॉर्थ ईस्ट जर्नी से भी रूबरू होना है। तो मिलते हैं आपसे एक नई सीरीज में, वेयर मेघा मीट्स मेघालय।